पाखंडवाद, अंधविश्वास, धार्मिक अंधविश्वास, वो चाहे किसी भी धर्म में हो, जो धर्म की अफीम इस समाज को पिलाए हैं उससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हर आदमी की आस्था का प्रश्न है, परंतु इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिस धर्म की भी आप मान रखते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, उसकी कुरीतियों और उन अंधविश्वासों पर अवश्य विचार करें। आज पेरियार रामास्वामी जी की जयंती के अवसर पर इस सभागार में आपने विभिन्न वक्ताओं को सुना, उनके सिद्धांत, उनकी आइडियोलॉजी और समाज पर उसका असर, और वर्तमान परिवेश में उसकी आवश्यकता पर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पेरियार रामास्वामी जी पाखंडवाद के घोर विरोधी थे। आप उनको यदि पढ़ेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे, तो एक बार को आपको अवश्य ऐसा लगेगा कि बहुत हार्श और कठोर बात उन्होंने कही है। जैसा कि कुछ कोट्स प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने आपके सामने रखे, परंतु यदि आप सैद्धांतिक रूप से और वैज्ञानिक विचारधारा से उन पर विचार करेंगे तो स्वतः ही आपका मन इस बात के लिए गवाही देगा कि जो कुछ पेरियार रामास्वामी ने कहा, जो कि सत्य प्रतीत ही नहीं होता, बल्कि विज्ञान की कसौटी पर करके कस कस कर देखें और बिना किसी भेदभाव के यदि उस पर मनन करें तो वह कदापि असत्य नहीं है। हम जिन रूढ़िवादी विचारधाराओं में, जिन धार्मिक अंधविश्वासों में घिरे हुए हैं, उनसे पार नहीं निकल पा रहे। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बढ़े, परंतु उन अंधविश्वासों से अभी तक बाहर नहीं आए। हमें उन अंधविश्वासों से बाहर आना होगा और इसके लिए अपनी सोच को बदलना होगा। ये कैसी विडंबना है कि हम जिन विचारों को प्रसारित करते हैं या जिनके बारे में बात करते हैं या जो हमने पढ़े उन्हें हम आत्मसात नहीं करते। हम अपने ही समाज में, अपने ही घर में, अपने बच्चों तक भी हम उन बातों को मनवाने के लिए सक्षम नहीं हैं जो पेरियार रामास्वामी जी ने कही हैं और एकदम सत्य है। पाखंडवाद, अंधविश्वास, धार्मिक अंधविश्वास, वो चाहे किसी भी धर्म में हो, वह जो धर्म की अफीम इस समाज को पिलाए हैं उससे हम बाहर नहीं आ पा रहे। इसीलिए हमें सोचना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने के बाद भी हम कुछ बातें अपने घर में नहीं मनवा पा रहे हैं। भारत की आज़ादी का 50% महिला वर्ग हर घर में
आप सोच कर देखें कि क्या आपने महिला वर्ग को अंधविश्वास से बाहर निकाला, क्या आपने अपने बच्चों को उस अंधविश्वास से बाहर निकाला जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करना चाहूँगा, हर आदमी की आस्था का प्रश्न है, परंतु इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिस धर्म की भी आप मान रखते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, उसकी कुरीतियों और उन अंधविश्वासों पर अवश्य विचार करें जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और जिनका वैज्ञानिक आधार स्थापित होता है उनको अवश्य माने और उसको स्थापित करें। मात्र चमत्कार के आधार पर किसी फल की कामना न करें, आपकी मेहनत आपके काम आएगी और मेहनत करेंगे तभी काम आएगी। यदि किसी चमत्कार से आप समझते हैं कि आपको कोई फल मिलेगा तो ऐसा सोचना पिछड़ापन का प्रतीक है, और ये पिछड़ापन अभी तक हम अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, इस पर हमें बहुत काम करना होगा। सामाजिक चेतना फाउंडेशन इस ओर अग्रसर है, वह अपने पूर्वजों पिछली जातियों जिनमें एससी एसटी माइनॉरिटीज और ओबीसी सभी सम्मिलित हैं, उनके पूर्वजों पर उन्होंने उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए चौपाल का आयोजन कर रहा है। बड़े आयोजन शहरों में होते हैं, कस्बों में होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं और उसका प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव में पिछड़ी जातियों के उत्थान और उन्नयन के लिए उनके पूर्वजों के कार्यों से उन्हें अवगत कराएं और पाखंड और अंधविश्वास से उन्हें बाहर निकालकर उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करें और आगे बढ़ने के लिए उनको उनकी चेतना को जगाएं। भारत की जनसंख्या का 85% वर्ग जो कि 1931 की जनगणना से स्थापित है, वह पिछड़ी जातियों का है। 15% वर्ग केवल उन जातियों का है जिनका भारत के स्रोतों पर 85% कब्जा है। अब ये कैसी विडंबना है कि 85% वर्ग अपने अधिकारों की मांग 15% लोगों से कर रहा है और उस मांग को भी स्वीकार कराने में असमर्थ महसूस कर रहा है। इसलिए मैं पुनः यही कहूँगा कि शिक्षा को लेकर आगे बढ़ें, भाईचारा बढ़ाएं, समता समानता समाजवाद पर आधारित भारत का संविधान जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी देन हम लोगों के लिए है, उसके सम्मत कार्य करें। संविधान विरोधी कोई भी कार्य हो उसके विरुद्ध एक मत होकर एकता के साथ संघर्ष करें। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें अपने अधिकारों की मांग करते ही रहना होगा और वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगी, पूर्ण नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा ने कहते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दुष्यंत के शब्दों में कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ के असर के लिए। अब तो
इस तालाब का पानी बदल डालो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।